नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। हम इडली बनाते हैं, ये बहुत ही कम तेल में बना हुआ और भाप में पका हुआ खाना है, सभी को बहुत पसंद आता है। आज हम इडली को एकदम अलग स्वाद में बनाएंगे। हम बनाएंगे आलू मसाला स्टफ्ड इडली, सभी को बहुत पसंद आएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। आलू मसाला स्टफ्ड इडली बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। बैटर तो हमारे पास तैयार है, पैन गरम कर लेते हैं। पैन में हम 2 छोटे चम्मच तेल डाल देते हैं, गरम होने देते हैं। और ये हमने 2 आलू लिए हैं, उबले हुए आलू हैं, इन्हें हम छील लेते हैं। तेल गरम हो गया है, तेल में हम ये सरसों के दाने डाल देंगे। गैस थोड़ी धीमी रखेंगे ताकि हमारे मसाले जले ना, और ये दाने को तड़कने देते हैं। ये हमने 8-10 करी पत्ता लिए हैं, ये भी डाल देते हैं। 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा सा भूनते हैं। और अब हम डालेंगे धनिया पाउडर 1 छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 छोटी चम्मच से कम, और मसाले को हल्का सा भूनेंगे। और अब डालेंगे मटर के दाने, थोड़ा सा भूनते हैं, इन्हें हल्का सा पकने देते हैं। आलू को बारीक तोड़ लेते हैं, मटर के दाने हल्के से हमने भून लिए हैं, और अब हम डालेंगे ये बारीक तोड़े हुए आलू, इनको हम और भी बारीक कर लेंगे। थोड़ा दबा लेते हैं। बचे हुए मसाले भी डाल देते हैं। 1/3 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला और 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच नमक डालेंगे या स्वादानुसार नमक डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिलने तक मिलाते हुए इसे हम पकाएंगे। ये हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है, इसे हम अलग प्याले में निकाल लेते हैं और ठंडी होने देते हैं। स्टफिंग में थोड़ा सा हरा धनिया डालकर मिला देते हैं। स्टफिंग तैयार है, और हमने ये पहले से तैयार किया हुआ इडली बैटर ले लिया है। इडली बैटर कैसे बनाते हैं ये मेरी वेबसाइट और चैनल पर देख सकते हैं। तो अब हम इडली तैयार करें। इडली बनाने के लिए हमें इडली स्टैंड चाहिए, वो हमने ले लिया है। हमें इडली को भाप में पकाना है, तो उसके लिए हमें बर्तन में पानी गर्म करना होगा। हम इडली को कुकर में भी बनाते हैं और किसी बर्तन में जिसमें कि हमारा ये इडली स्टैंड आ जाए उसमें भी बना लेते हैं। ये हमने एक भगोना ले लिया है, इसमें हम 2 कप पानी डाल देंगे। और पानी में अच्छे तरीके से भाप बनने तक इसे गर्म करेंगे। तो जब तक हमारा पानी गर्म होता है, या हम इडली स्टैंड को भरकर तैयार कर लेते हैं। तो पहले हम इडली स्टैंड के ऊपर थोड़ा सा तेल डालेंगे और चिकना करेंगे। तो ये हम सारे जो इसके सांचे हैं इन्हें चिकना कर लेते हैं, और इडली बैटर में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। 1 छोटा प्याला इडली बैटर है, इसमें हम 1/2 छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं या स्वादानुसार नमक डाल देंगे। मिक्स कर देते हैं इडली बैटर को। जब हम नमक मिक्स करते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं चलाते, बस इतना ही चलाएंगे कि हमारा नमक मिक्स हो जाए। बहुत ज़्यादा चलाने से इसके अंदर जो एयर है जिससे कि बैटर फूला है वो निकल जाती है, और हमारी इडली स्पंजी नहीं बनती। तो ये हमने नमक मिक्स कर दिया। ये स्टफिंग के हम छोटे छोटे गोले बनाकर तैयार कर लेते हैं, ये हमें इडली के अंदर डालनी है। तो थोड़ा सा इस तरीके से हाथ से इसे बाइंड कर लेंगे, इस तरीके से करके रख लेते हैं। ये हमने इडली में भरने के लिए स्टफिंग के गोले बनाकर तैयार कर लिए। अब हम थोड़ा थोड़ा बैटर इन सांचों में डालेंगे।
और ये स्टफिंग का गोला एक इसके ऊपर रखेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा पुश कर देंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा बैटर इसके ऊपर डालेंगे और इसको कवर कर देंगे। चम्मच की हेल्प से स्टफिंग को ढक देते हैं। इसी तरीके से सारे सांचे भरकर तैयार करेंगे। प्याली के ऊपर रख लेते हैं, थोड़ा सा ये हिलेगा डुलेगा नहीं। और इस सांचे को इसमें अरेंज कर देंगे स्टैंड में, इस तरीके से। तो सारे सांचे हमें ये भर कर और स्टैंड में अरेंज करने हैं। ये सारे सांचे हमने स्टैंड में अरेंज कर लिए, को हम स्क्रू कर देते हैं और अब हम इन्हें पकने रखेंगे। पानी में उबाल आ रहा है, भाप अच्छे तरीके से बन रही है। इडली को हम स्टीम करने के लिए इसके अंदर रख देंगे और पूरे 10 से 12 मिनट तक इसे स्टीम होने देंगे। इसको ढक देते हैं, गैस मीडियम हाई रखेंगे। 12 मिनट हो गए हैं, हम अपनी इडली चेक कर लेते हैं। गैस बंद कर देते हैं, इडली अच्छी फूली हुई दिख रही है, पक चुकी है। 10 से 12 मिनट में इडली अच्छी पककर तैयार हो जाती है। तो हम इडली स्टैंड को निकाल कर बाहर रख लेते हैं, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, बहुत भाप निकल रही है। इडली स्टैंड को हम बाहर निकाल लेते हैं और ये सांचे इसको स्क्रू को खोल कर सांचों को अलग अलग निकाल कर रख देते हैं ताकि हमारी इडली जल्दी से ठंडी हो जाए। थोड़ा गर्म है तो हम टॉवल का यूज कर लेते हैं और इन्हें थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, इसके बाद हम इन्हें सांचों में से निकालेंगे। ये इडली हमारी थोड़ी सी ठंडी हो गई है क्योंकि एकदम अगर गरम गरम इडली को हम सांचे में से निकालें तो वो सही शेप में नहीं निकलती। अभी हल्की ठंडी हो गई है लेकिन इतनी भी ठंडी नहीं है कि हम इस सांचे को हाथ पर रख पाएं। तो इसे हम टावल के ऊपर रख लेंगे और इडली को चाकू की हेल्प से इस तरीके से चारों ओर से हटाते हुए निकालेंगे। देखिए बहुत अच्छी इडली बनी है। तो ये सारी इडली हम सांचों में से निकाल लेते हैं। ये हमने सारी इडली निकाल ली। आलू मसाला स्टफ्ड इडली खाने के लिए तैयार है। बहुत अच्छी इडली बनी है और इन्हें बनाना बहुत आसान है। आलू मसाला स्टफ्ड इडली को हरे धनिया की चटनी, नारियल की चटनी, मूंगफली के दाने की चटनी, अपनी मनपसंद किसी भी चटनी के साथ में परोस सकते हैं। आप इन्हें सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं, टिफिन में ले जा सकते हैं, शाम को स्नैक के रूप में खा सकते हैं और डिनर में भी खा सकते हैं। तो जब भी आपका मन हो आप ये इडली बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।